लेगेट सिस्टम पे भी असर है। लेगेट सिस्टम में आप क्या करते हैं, जैसे ही आप जब वेरिएबल दाखिल करते हैं तो आपको डिवाइस मिलती है, इसलिए आप जो है वो अपने अटेंडेंस लगाते हैं। इम्बेडेड सिस्टम, इम्बेडेड सिस्टम अगर हम थोड़ी सी बात कर लें माइक्रो प्रोसेसर और माइक्रो कंट्रोलर पर, तो माइक्रो प्रोसेसर जितने बेस जितनी भी चीज़ बनती हुई है वो दरअसल कंप्यूटर है, और माइक्रो कंट्रोलर बेस जो होती है वो इस एक वक्त में अगर सिंगल काम करना वो इम्बेडेड सिस्टम में ज़्यादा नहीं करते। इम्बेडेड सिस्टम में ये है कि अगर हम किसी किसी हार्डवेयर को अपने अपने किसी भी हार्डवेयर को अगर सॉफ्टवेयर के जरिए हम सॉल्व करते हैं तो ये इम्बेडेड सिस्टम है, यानी हमने अपने हार्डवेयर को इम्बेड कर दिया, मिला दिया इससे सॉफ्टवेयर से। अगर हम अगर एक बड़ा चीज़ अगर हम अगर हमारे पास जो है एक कार्ड आजकल दिया हुआ है जिसके आर एफ आई डी कार्ड होते हैं रेडियो फ्रिक्वेंसी, इसके थ्रू जो हम अपने अटेंडेंस बढ़ाते हैं नॉर्मल, ठीक है। तो ये एक मशहूर टास्क के लिए, जबकि उसकी इसलिए बेस वो माइक्रो कंट्रोलर है। माइक्रो कंट्रोलर जो है दरअसल उसमें हमें अगर हम बात करें अगर माइक्रो कंट्रोलर और माइक्रो कंट्रोलर की बात करते हैं और माइक्रो प्रोसेसर की बात करें, तो माइक्रो प्रोसेसर में अगर हमें कोई चीज सिंगल अगर हमें अगर एलईडी की अगर ऑन कर दी सिंगल एलईडी सब क्या करते हैं एलईडी लाइट एमिटिंग डॉट, अगर सिंगल एलईडी अगर ऑन कर दी तो बहुत कुछ चीज़ें हमारे को इंटरफेस करना पड़ती हैं। लाइक अगर हम इंटरफेस करना माइक्रो को साथ तो हमें एक आईओ डिवाइस लाना पड़ेगी, मेमोरी लाना पड़ेगी, तो फिर जाके कुछ मतलब काम करना शुरू होगा। अभी भी कुछ हो गया नहीं है कि काम हो जाए, क्योंकि इसके पीछे पुराने के और फिर उसका मेमोरी लेगी और आगे, लेकिन जबकि माइक्रो कंट्रोलर के अंदर ऐसा नहीं, इसके अंदर इंस्टॉल जो है कंट्रोल के अंदर डेवलप किया होता है कि मेमोरी भी होती है इसके अंदर आई कंट्रोल भी साथ साथ। तो आजकल हमारे जो बहुत ज़्यादा डिवाइस जा रही है वो नॉर्मली के पास स्टूडेंट जो है वो नॉर्मली आते हैं वो फाइनल ईयर के बजट या फिर जो कंसर बजट होते हैं उनकी भी नॉर्मली आ रहे हैं, ठीक है। तो हमने जो है वो अगर माइक्रो कंट्रोलर में एक एग्जाम्पल है, हमारे स्टूडेंट आई जिसको माइक्रो ने आर डी ओ के बारे में कुछ पता ही नहीं था, नहीं माइक्रो कंट्रोलर उसने पढ़ा ही नहीं, तो मैंने बेटा आप कैसे थोड़ा सी, मैंने कहा सर आपकी आवाज़ मुझे आ रहा था एल एफ आर पे काम करना, रोबोट के ऊपर काम करना, तो मैंने उसे ऐसे गाइड किया कि वो सिर्फ उसको सिर्फ माइक्रो जो माइक्रो कंट्रोलर के बारे में थोड़ा इंट्रोडक्शन दिया, और उसके बाद जो उसने मेरे पास तो नहीं आई, और उसके बाद जो वो उसने एल एफ आर पर इनाम दिया बाकायदा, और फिर वो कामयाब हो गया। तो उसने जो भी स्टूडेंट्स हुए लेकिन अगर उसकी बेस जो थी वो मेरे पास से, तो इस बेस अगर उसकी स्टूडेंट की अच्छी आती है तो फिर वो काम करते हैं नॉर्मली उसको माइक्रो कंट्रोलर। तो माइक्रो कंट्रोलर के अंदर हमें अगर कोई भी अच्छी पैसे सिंपल सही, तो उसके अंदर जो बिल्ट इन होती है रैम भी होती है और ईप्रोम भी होती है और आईओ भी होती है, इनपुट आउटपुट सिग्नल भी हम दे सकते हैं इसके थ्रू माइक्रो कंट्रोलर के थ्रू इनपुट आउट भी कर सकते हैं। लेकिन माइक्रो कंट्रोलर और माइक्रो कंट्रोलर बेसिक रिसोर्स ये है, लेकिन इसके अलावा मल्टी टास्किंग है। अगर हम इम्बेडेड सिस्टम में इम्बेडेड सिस्टम बात करें तो सिंगल मल्टी पर मल्टी टास्किंग नहीं है, ठीक है। अब क्या माइक्रो कंट्रोलर क्या है, मल्टी टास्किंग है, लेकिन अगर आप वहाँ पर एक वेबसाइट खोल लिए उसके अलावा अगर एक वर्ड प्रोग्रामिंग भी खोलिए तो हम मल्टी टास्किंग कर सकते हैं, लेकिन माइक्रो कंट्रोलर के अंदर जो है ऐसा नहीं है, सिंगल टाइम में एक ही जो है ना हम वर्किंग करते हैं अदरवाइज। एम्बेडेड सिस्टम है अभी हमारे और बहुत डिवाइस यूज होती है, ज़्यादा हम वाशरूम वगैरह जाते हैं वहाँ पे डिवाइस होती है, हाथ जो है वो हम रखते हैं वो हैंड के द्वारा, और बहुत सारे एप्लीकेशन है एम्बेडेड सिस्टम की। आज जो इसकी लेटेस्ट जो है वो ड्रोन है, अब जो हमारे आने वाला हफ्ते शायद हो सकता है कि 5-10 सालों के अंदर हमारा अपने अपने ड्रोन होते हैं जिसमें हम घर में बैठ के आराम से बैठेंगे और वो हमें जो घर बता देंगे कि बहुत सारी वीडियोज़ हैं और बहुत सारी चीज़ें जो कि आप देख सकते हैं।
डेढ़ साल ना आइंदर 10 साल के अंदर ड्रोन हमारे हाथों में होंगे।